बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बायलिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंगस जो है ना, वो चार ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे फंगस के चार ग्रुप्स में फर्स्ट ग्रुप है ज़ाइगोमाइकोटा, सेकेंड ग्रुप एस्कोमाइकोटा, थर्ड ग्रुप बेसिडियोमाइकोटा एंड फोर्थ ग्रुप इज ड्यूटेरोमाइकोटा, जिसमें से अभी जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं ज़ाइगोमाइकोटा। लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, किंगडम फंजाई। तो हम फंगस का जो है ना वो फर्स्ट ग्रुप स्टडी करने लगे हैं, दैट इज ज़ाइगोमाइकोटा, आल्सो नेम्ड एज ज़ाइगोमाइसीट्स एंड कॉमनली नेम्ड एज, कॉमन लैंग्वेज में इनको कहा जाता है कॉन्जुगेटिंग फंजाई। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में फ्यूज हो जाते हैं और वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी फ्यूज कर लेते हैं या अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया के पास कॉन्जुगेशन करने की एबिलिटी है, जैसे पैरामीशियम के पास कॉन्जुगेशन करने की एबिलिटी है, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ अटैच होके अपनी जीन्स एक्सचेंज कर लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी दो डिफरेंट फंगस के हाइफी आपस में अपने न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस शो करते हैं। फंगस भी जो है ना उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं। नेक्स्ट जनरेशंस जो होती हैं ना वो पिछली वाली जनरेशन से ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं, अपने एनवायरमेंट को अच्छे से फेस कर सकती हैं। सो ज़ाइगोमाइकोट्स आर ऑल्सो नेम्ड एज कॉन्जुगेटिंग फंजाई। फर्स्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ज़ाइगोस्पोर बनता है। ज़ाइगोस्पोर क्या है? ज़ाइगोस्पोर इज अ टेम्परेरी, वक्ती तौर पे बनने वाला, डोरमेंट, जो कुछ देर ग्रो नहीं करता। डोरमेंसी का मतलब होता है जिसमें ग्रोथ रुकी होती है। थिक वॉल्ड, मोटी दीवार वाला, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड ज़ाइगोस्पोर। ये ज़ाइगोस्पोर कैसे बना है स्टूडेंट्स, ये देखें। ये है जी पॉजिटिव स्ट्रेन ऑफ हाइफी। ये फंगस की एक टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फंगस के पास मेल और फीमेल का डिफरेंस नहीं होता। फंगस के हाइफी में एक ही स्पीशीज में जीन्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है और उस जीन्स के डिफरेंस की वजह से हम एक स्ट्रेन को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, या एक को ए और दूसरे को अल्फा, एक को बी या दूसरे को बीटा, इस तरह से ना थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं जीन्स की बुनियाद पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने कलर भी डिफरेंट शो किए हैं। नेगेटिव स्ट्रेन ब्लैक है, पॉजिटिव स्ट्रेन ब्लू है। जब ये दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले हाइफी आपस में कॉन्जुगेशन करते हैं तो इनके न्यूक्लियस भी क्या करते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म का फ्यूज होना प्लाज्मोगैमी और न्यूक्लियस का फ्यूज होना कैरियोगैमी कहलाता है। तो पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस के फ्यूज होने से ये देखें, ये पॉजिटिव स्ट्रेन, ये नेगेटिव स्ट्रेन, इनके हाइफी ने कॉन्जुगेशन की, जिसकी वजह से इनका नाम कॉन्जुगेटिंग फंजाई है। कॉन्जुगेशन करने में इन्होंने पहले अपना साइटोप्लाज्म फ्यूज किया, जिसे हमने प्लाज्मोगैमी कहा, और फिर इन्होंने अपना न्यूक्लियस फ्यूज किया जिसे कैरियोगैमी कहते हैं। तो इनकी फ्यूजन से ये जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है, ये हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलने से ये जो डिप्लॉइड टेम्परेरी डोरमेंट थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना, इसे कहते हैं ज़ाइगोस्पोर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि फंगस जो है वो दो तरह से स्पोर्स बनाती है। अगर वो हैप्लॉइड हाइफी से हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए तो वो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, क्योंकि वो माइटोसिस से पैदा हो रहे होते हैं। और अगर फंगस पहले अपने हाइफी फ्यूज करके, फिर उसके न्यूक्लियस फ्यूज करके उससे डिप्लॉइड ज़ाइगोस्पोर बनाए, फिर उस डिप्लॉइड में मियोसिस करे और फिर उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए, तो ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपनी जीन्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होते हैं, तो उसे मियोसिस कहते हैं, और मियोसिस हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। तो ये ज़ाइगोस्पोर क्या है? ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये ज़ाइगोस्पोर के अंदर दो डिफरेंट स्ट्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। अब इनमें से जो है ना वो नया हाइफी ग्रो करेगा,
ये हाइफी ग्रो होगा, फिर उसके ऊपर स्पोरेंजियोफोर्स बनेगी, फिर उसके ऊपर एक सैक लाइक स्पोरेंजियम बनेगा और उसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या बनेंगे, ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और ये हैप्लॉइड स्पोर्स भी आगे से दो मुख्तलिफ तरह के होंगे या और तीन चार पांच तरह के भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर मियोसिस हुई है और मियोसिस में क्रोमोसोम्स अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे फिर अगली जेनरेशन में वेरिएशन आती हैं। ये स्पोर्स फिर गिरेंगे सूटेबल प्लेस पर और वहां पर दोबारा हाइफी बनेंगे और फिर जो है ना ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो साइक्लिक सीरीज शो की है, इससे हमने जाइगोमाइकोट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो किया, जिसमें हमने शो किया कि ये जाइगोस्पोर बनाते हैं। जाइगो जाइगोस्पोर मतलब दो न्यूक्लियस फ्यूज होके बनने वाला स्ट्रक्चर, जिसमें बाद में मियोसिस होगी और मियोसिस से फिर वेरिएशंस वाले आगे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, ये तो सेक्सुअल हो गई, इसमें तो स्पोर्स बने सेक्सुअल प्रोसेस से, मियोसिस से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये स्पोर्स के थ्रू करते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्म इन स्पोरेंजिया। ये वाले स्पोर्स भी स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मियोसिस नहीं होती। इस ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये देखें, ये फंगस का हाइफी है और ये है हैप्लॉइड। हर सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इन्हीं में से एक सेल जो है ना वो डिवाइड होके स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। और फिर इस हैप्लॉइड से ही बहुत सारे हैप्लॉइड सेल्स और बन जाएंगे और ये क्या होंगे, स्पोर्स। ये भी क्या था, हैप्लॉइड, ये भी क्या है, हैप्लॉइड। तो जब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पोर्स बने तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पोर्स बने, उसमें मियोसिस हो रही हो, तो फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो इनके पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों स्पोर्स के थ्रू है, लेकिन सेक्सुअल वाली मियोसिस के थ्रू होती है, एसेक्सुअल वाली माइटोसिस के थ्रू होती है। हाइफी कौन से है इनके, नॉन सेप्टेट मल्टीन्यूक्लियेट। जाइगोमाइकोट्स के पास जो हाइफी है ना, वो कोइनोसिटिक हाइफी है। ये भी हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। हाइफी की दो टाइप्स होती हैं, एक सेप्टेट हाइफी जिनमें क्रॉस वॉल्स पाई जाएं, और एक कोइनोसिटिक हाइफी जिनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती, वो मल्टी न्यूक्लियेट नजर आते हैं। ऐसे लगता है एक ही सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, जैसे कि ये डायग्राम में शो हुआ है। उसके बाद टिपिकल एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है जाइगोमाइकोट्स की, राइजोपस। राइजोपस जो है ना, ये रोटी को लगने वाली कॉमन फंगस है, जो घरों में ब्रेड पे लग जाती है, रोटी पे लग जाती है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। और दूसरी है जी पाइलोबोलस स्पिटिंग फंगस, ठीक है। ये दो कॉमन एग्जांपल्स हैं एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप इसे लर्न करें। ये साइकिल आपने जो है ना वो ड्रॉ करना सीखना है, लेबल भी करें इसके साथ। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जी, नेक्स्ट है हमारा फंगस का दूसरा ग्रुप, दैट इज एस्कोमाइकोट्स, एस्कोमाइकोटा, ऑल्सो नेम्ड एज एस्कोमाइसीड्स एंड कॉमनली नेम्ड एज सैक फंजाई। सैक क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये इस तरह से सैक्स बनाते हैं और फिर उस सैक्स के अंदर जो है ना ये अपने स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। सैक क्या होती है, ऐसे बन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो आवर डायग्राम में। दैट्स व्हाई एस्कोमाइकोटा आर नेम्ड एज सैक फंजाई। जी, इसमें हम डिस्कस करने लगे हैं कि ये लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई इंक्लूडिंग ओवर 60,000 स्पीशीज, 60,000 स्पीशीज इसमें है, जिनमें से 50% यानी कि आधी स्पीशीज, 30,000 स्पीशीज जो है ना वो लाइकन रिलेशनशिप में पाई जाती हैं। एस्कोमाइकोटा के 50% मेंबर्स एलजी के साथ फंगस का रिलेशनशिप लाइकन रिलेशनशिप कहलाता है। तो 50% मेंबर्स जो है ना एस्कोमाइकोट्स के, वो लाइकन एसोसिएशन में पाए जाते हैं, फंगस और एलजी वाले रिलेशनशिप में पाए जाते हैं। एंड सम सच एज मोरेल्स आर माइकोराइजल, और कुछ जो होते हैं वो माइकोराइजल एसोसिएशन भी बनाते हैं। माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, यानी कि ये पौधों की रूट्स में रहने वाले हैं। तो कहने का ये मकसद है कि एस्कोमाइकोट्स के मेंबर क्यों ज्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि ये लाइकन्स और माइकोराइजल दोनों एसोसिएशन में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे हम हैबिटेट की. हैबिटेट क्या होती है? द एक्चुअल लोकेशन वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, वो जगह जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता है, जहां पर वो सर्वाइव कर सकता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं. तो एस्कोमाइकोट्स के मेंबर ज्यादातर टेरिस्ट्रियल हैं, खुश्की पर पाए जाने वाले, दो सम आर मेराइन और फ्रेश वाटर, कुछ जो है वो सॉल्टेड वाटर और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. तो ये टेरिस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है, दैट्स वाई ये इतनी ज्यादा इनकी स्पीशीज भी मौजूद है और इतने ज्यादा फेमस भी हैं ये. ठीक है, उससे नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं डाइवर्सिटी की. डाइवर्सिटी मतलब इनमें वैरायटी कितनी है. दे शो डाइवर्सिटी फ्रॉम यूनिसेलुलर यीस्ट, एक सेल पे मुश्तमिल फंगस से लेके लार्ज कप फंजाई एंड मोरेल्स, ट्रफल्स, मोल्ड्स एंड पाउडरी माइल्ड्यूज आर फाउंड इन दिस ग्रुप. तो ये सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक वैरायटी जो है ना वो एस्कोमाइकोट्स में पाई जाती है. ये आपने सारी एग्जांपल्स याद करनी है. यूनिसेलुलर यीस्ट, यीस्ट क्या है? खमीर, जिसे बेकिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्री में ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ये बहुत ज्यादा कमर्शियल स्केल पे यूज होने वाला है और बहुत ज्यादा जो है ना वो फायदा देता है इंडस्ट्रीज को. सो एग्जांपल्स में मोरेल्स, ट्रफल्स, मोल्ड्स, पाउडरी माइल्ड्यूज, कप फंजाई, यीस्ट, ये सारे नेम्स जो है ना वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं. नेक्स्ट है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये. एस्कोमाइकोट्स भी स्पोर्स बनाते हैं, जैसे कि जाइगोमाइकोट ने जाइगोस्पोर बनाया, दो हाइफी आपस में फ्यूज हुए, फिर उन्होंने अपना न्यूक्लियस फ्यूज किया, फिर उसमें मियोसिस हुई, फिर उनसे आगे स्पोर्स प्रोड्यूस हुए. बिल्कुल यही वाला प्रोसेस यहां पर भी यूज होता है, लेकिन जाइगोमाइकोट्स में हमने उसे जाइगोस्पोर कहा था, एस्कोमाइकोट्स में हम इसे एस्कोस्पोर कहेंगे. दे प्रोड्यूस हैप्लोइड सेक्सुअल स्पोर्स. सेक्सुअल स्पोर्स कौन से? जो मियोसिस से पैदा होते हैं, कॉल्ड एस्कोस्पोर्स बाय मियोसिस. इनसाइड देयर कैरेक्टरिस्टिक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एस्काए. ज्यादा होंगे तो एस्काए, एक होगा तो एस्कस. ये देखेंगे मैंने यहाँ पे चार ड्रॉ किया ना, इनको कुल मिला के हम एस्काए कहेंगे, लेकिन अगर एक होगा तो उसे क्या कहेंगे? एस्कस. इसी एस्कस की बेस पर तो इसका कॉमन नेम है, सैक फंजाई. तो जब इन्होंने सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं तो ये मियोसिस करते हैं, और इनके सेक्सुअल स्पोर्स को कहा जाता है एस्कोस्पोर्स. फिर उसके अलावा जी, मोस्ट सैक फंजाई हैव एस्काए. ये जो एस्कस बनाते हैं ना, एस्काए मतलब ज्यादा. इनसाइड मैक्रोस्कोपिक फ्रूटनिंग बॉडीज, तो ये बड़ी बड़ी फ्रूटनिंग बॉडीज की फॉर्म में हमें नजर आते हैं. अगर उन्हें कट करके और उन्हें माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो उनमें इस तरह से बहुत सारे एस्कस नजर आएंगे और उनके अंदर जो है वो स्पोर्स नजर आएंगे, एस्कोस्पोर्स. फ्रूटनिंग बॉडी, जैसे मशरूम एक फ्रूटनिंग बॉडी है, बट वो बेसिडियोमाइकोट्स में शामिल है. एस्कोमाइकोट्स में फ्रूटनिंग बॉडीज कौन बनाते हैं? मोरेल्स, ट्रफल्स, लार्ज कप फंजाई, ये फ्रूटनिंग बॉडीज की फॉर्म में मैक्रोस्कोपिक, मतलब जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, छोटे नहीं है, बड़े हैं. मैक्रो का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है. और इन फ्रूटनिंग बॉडीज को कहा जाता है एस्कोकार्प. स्टूडेंट्स, ये जो कार्प का वर्ड होता है ना, ये फ्रूट के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है. जैसे पार्थिनोकार्पी, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बगैर बीज के फल बन जाए. कार्प मीन्स फ्रूट. एस्कोकार्प. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके पास होती है कोनिडिया के थ्रू, ठीक है. कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस होते हैं? कि ऐसे जो है ना वो हाइफी ग्रो करता है इस तरह से, और फिर ये हाइफी जो है ना वो सेपरेट है सपोज, तो उसमें से कोई एक सेल जो है ना वो इस तरह ऊपर को डिवाइड करेगा और फिर इसके ऊपर इस तरह से कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे, टिप्स के ऊपर कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया दैट आर ऑफन डिस्पर्स्ड बाय विंड. ये कोनिडिया जो होते हैं, ये हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और जहां सूटेबल प्लेस होती है वहां पर ये दोबारा से जर्मिनेट करके ग्रो करना शुरू कर देते हैं और नई फंगस वहां ग्रो होने लग जाती है. जी, इनके हाइफी कैसे हैं? सेप्टेट. सेप्टेट मतलब ये देखें सेपरेशन वाले, प्रॉपर सेप्टा है एंड लेंथी डाइकैरियोटिक फेज. और जब इन्होंने मियोसिस करनी होती है ना, जब इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है, तो ऐसे दो हाइफी जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं
वो अपना साइटोप्लाज्म फ्यूज कर लेते हैं लेकिन अपने न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते, और इसी तरह जो है ना वो आगे 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 हाइफी डिवाइड होता चला जाता है। इस तरह के हाइफी जिनमें एक सेल में दो न्यूक्लियस हों उन्हें क्या कहा जाता है, डाइकैरियोटिक हाइफी। तो एक लंबे अरसे तक इनमें ये डाइकैरियोटिक फेज चलता है, जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती तब तक इनके पास ये डाइकैरियोटिक हाइफी ही चलते जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और फिर ये एस्कोस्पोर्स बनाना शुरू कर देते हैं इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एस्कस। जी स्टूडेंट्स, आप जो है ना वो हम इनका एक बहुत फेमस मेंबर यीस्ट डिस्कस करने लगे हैं, जिसकी अभी हमने ऊपर भी बात की। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंगस है, एक सेल पे मुश्तमिल है और ये हमें बहुत इकोनॉमिकल फायदा देती है। इसे जो है हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज टू फर्मेंट ग्लूकोज टू इथानोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इससे इथानोल अल्कोहल बनाई जाती है। इसे बेकिंग और ब्रीविंग दोनों इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करके वो लोगों की जरूरियात पूरी करने के लिए कमर्शियल स्केल पर चीजें तैयार की जाती हैं, और इससे जो है ना वो फिर इकोनॉमिकली बहुत फायदा होता है। जी, ये आज का हमारा लेक्चर था। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।